फर्स्ट टॉपिक है इंट्रो टू फिजिक्स मींस के इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। सबसे फिजिक्स के इंट्रोडक्शन से पहले हम देखेंगे कि साइंस क्या है। अगर आपने व्हाट इज साइंस कंप्लीट अंडरस्टैंड करना है साइंस के बारे में, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आप पूरी वीडियो देख लें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। यहाँ पर जस्ट मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगी कि साइंस क्या है। जब से यूनिवर्स की बिगनिंग हुई है तब से नेचर में डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं जिसको इंसान जो है ना वो देखता है, ऑब्जर्व करता है अपनी फाइव सेंसेस को यूज़ करते हुए। ठीक है, फाइव सेंसेस की मदद से आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि क्यों हो रही हैं चीज़ें, कैसे हो रही हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि अर्थ जो है ना वो गोल है, तो इंसान गिर क्यों नहीं जाता। हम कहते हैं कि डिफरेंट प्लैनेट्स जो है ना अराउंड द सन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन जब आप देखते हैं कि आप स्टोन्स को रब करके फायर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये भी आपकी एक ऑब्जर्वेशन है। आपको ऑब्जर्वेशन से चीज़ों का पता तो चलता है, बट यू डोंट नो कि ये वैल्यूज़ करेक्ट हैं या इनमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, क्या इसमें करेक्शन किस हद तक है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम एक्सपेरिमेंटेशंस परफॉर्म करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन होता है कि आप क्या करते हैं, चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, करके देखते हैं कि ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या वजह है। एक्सपेरिमेंट्स तब ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन कंबाइन है कि आप ऑब्जर्व करने के बाद, सोचने के बाद आप एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, तो वो साइंस होती है कि आप साइंस की बात कर रहे हैं। आप चीज़ों को ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ नतीजे निकालते हैं, कुछ रिजल्ट्स कंक्लूड करते हैं, न्यू डिस्कवरीज होती हैं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द साइंस। साइंस को पहले हम नेचुरल फिलोसफी के नेम से जानते थे टिल द 18th century। तो 18th century के बाद साइंस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, फिजिकल साइंसेज एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज में हम क्या स्टडी करते हैं, एज द नेम इंडिकेट्स वी स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, फिजिकल साइंसेज में हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, एंड बायोलॉजिकल साइंसेज में हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करेंगे। फिजिकल साइंसेज में हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, एंड बायोलॉजिकल साइंसेज में हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स का कॉन्सेप्ट आपने पहले अंडरस्टैंड करना है कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, जो चीज़ें सांस नहीं लेती। अगर आप कहते हैं कि हवा चलती है, हम लिविंग को कंसिडर कर लेते हैं चलने से, कि जो चीज़ें मूव कर रही हैं हम उन्हें कहते हैं लिविंग है। वैसे तो गाड़ियाँ भी मूव करती हैं, तो क्या वो लिविंग है? नहीं, लिविंग वो चीज़ें होती हैं जो कि सांस लेती हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो कि सांस ना लेती हों वो नॉन लिविंग थिंग्स में कंसिडर की जाती हैं, एंड बाय लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो सांस लें, लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स, ठीक है, बर्ड्स, डिफरेंट जो हमारे पास क्रिएशंस हैं अल्लाह पाक की। और साथ में नॉन लिविंग थिंग्स को फाइव टाइप्स में हम डिवाइड करते होते हैं। फर्स्ट इज फिजिक्स, जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, फिजिक्स जो है वो हमें बताती है अबाउट मैटर प्लस एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। ओके, ये मैं आपको बाद में डिटेल में बताती हूँ। और केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं अबाउट केमिकल रिएक्शंस, मीन्स के आप अगर शुगर को मिक्स कर रहे हैं वाटर में, तो शुगर और वाटर आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे। तो ये आप तमाम स्टडी केमिकल्स की जितनी भी स्टडी होती है वो केमिस्ट्री में होती है। जियोलॉजी, जियो मीन्स द अर्थ, मीन्स के आप इसमें अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अर्थ की क्रस्ट, अर्थ के लेयर्स, टेम्परेचर अर्थ का कि कितना है, उसके रोटेशन। उसके बाद हम और क्या स्टडी करते हैं इसमें नॉन लिविंग थिंग्स में, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी हमें क्या बताती है, अबाउट द स्टार्स एंड गैलेक्सीज। ठीक हो गया, एंड उसके बाद फिफ्थ टाइप जो नॉन लिविंग थिंग्स की थी वो थी मेट्रियोलॉजी। ओके, इसमें आप स्टडी करते हैं अबाउट द वेदर। ओके, वेदर कैसा होगा, हॉट है कि सर्दी होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कम होगा, कितना टेम्परेचर होगा, ये आप स्टडी करते हैं मेट्रोलॉजी में।
इसके बाद हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में लिविंग थिंग्स को बायोलॉजिकल साइंसेस को डिवाइड किया गया था सिंगल ब्रांच में बायोलॉजी में। मींस कि आप इसमें लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे, बर्ड्स के बारे में, जितनी भी ये प्लांट्स के बारे में आप स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये तमाम जो स्टडी थी वो आ गई थी बायोलॉजिकल साइंसेज में। अब हम डिटेल में फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये जो साइंस का जो इंट्रोडक्शन था, ये पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपने मज़ीद इस पर देखनी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंट्रो टू फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या है? इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स में हम स्टडी करते हैं अबाउट द मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन, कि आप मैटर और एनर्जी को स्टडी करते हैं, और साथ में जब ये मैटर और एनर्जी आपस में इंट्रैक्ट करते हैं तो उनकी इंट्रैक्शन से क्या फॉर्म होते हैं, क्या हो रहा है, तो वो हम सारी स्टडी करेंगे फिज़िक्स में। अब मैटर क्या है? मैटर हर वो चीज़ जो कुछ वॉल्यूम हो जिसका और कुछ स्पेस होती लेती हो, वो चीज़ उसे हम मैटर कहते हैं, जिसका वॉल्यूम हो, मैस हो और वो कुछ जगह घेरती हो। अगर आप उसे कहीं पर रखें तो वो कुछ जगह ले, वो मैटर कहलाएगा। लाइक मेरे पास मार्कर है, तो अब अगर आप इस मार्कर को देखें तो इसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, लेंथ होगी इसकी, ठीक है, इसका डायमीटर होगा। अगर आप इसको किसी जगह पर रखेंगे तो ये जगह भी लेगा, तो मेरे पास ये एक मैटर है। अगर कार हो तो कार भी एक मैटर होता है, उसके भी अगर कार को देखें तो कुछ वेट होगा, मैस होगा, वॉल्यूम होगा। अगर आप उसे कहीं जगह पर रखते हैं कार को, तो उसकी भी वो जगह लेगा, लेगी स्पेस लेगी, तो वो मैटर है। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी वो होती है जो कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शंस, जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, एक्सरेज, रेडिएशंस, ये तमाम जो होती हैं एनर्जी में आ जाते हैं। हीट भी एनर्जी की एक फॉर्म है, लाइक केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो ये तमाम टाइप्स एनर्जी में इंक्लूड होती हैं। लाइक मैं अगर इस बोर्ड मार्कर को हॉरिजॉन्टली मूव करवाना चाह रही हूँ, तो इस बोर्ड मार्कर का कुछ ना कुछ मैस है और कुछ ना कुछ वेलोसिटी है जिससे मूव कर रहा है, ओके। तो इस बोर्ड मार्कर में काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन। अब देखिए, ये मैटर है ना, ये मैटर में काइनेटिक एनर्जी है। अब ये दोनों जब एनर्जी एंड मैटर इंट्रैक्ट कर रहे हैं तो कुछ हो रहा है, मोशन परफॉर्म हो रही है, उसको हम स्टडी करेंगे फिजिक्स में। अब अगर मैं इस मैटर को, इस बोर्ड मार्कर को अपवर्ड लिफ्ट करती हूँ, तो इसमें कौन सी एनर्जी पाई जाएगी? इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। मीन्स कि मैटर और एनर्जी ने इंट्रैक्ट किया, इंट्रैक्ट करने से जो इसने डिस्टेंस कवर किया, हम उसे भी मेजर करेंगे, हम मैटर को भी स्टडी करेंगे, हम जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उस मैटर को मूव करने के लिए वो भी स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी एनर्जीज प्रोवाइड की जाती हैं और उन दोनों की इंट्रैक्शन से क्या हो रहा है, जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, मोशंस हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, हम वो तमाम स्टडी किस में करेंगे? फिज़िक्स में। ओवरऑल फिज़िक्स का जो हमारी लाइफ में भी बहुत बड़ा रोल है, कि हम अगर आप देखें कि आप अगर आप सांस लेते हैं तो उसमें भी फिज़िक्स की इनरोलमेंट है। ये नहीं है कि ह्यूमंस को जस्ट बायोलॉजी की मदद से ही स्टडी किया जाता है, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट फिनोमिना हो रहे हैं उसमें फिज़िक्स का रोल है। लाइक अगर आप कहते हैं कि आपका जो हमारा जो ब्रीथिंग सिस्टम है, ब्रीथिंग की अगर मैं बात करूँ, तो उस पे हम क्या करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं तो जो हमारे लंग्स हैं वो क्या हो जाते हैं, आप इनहेल करें, इनहेल करने से क्या होंगे कि आपके लंग्स सिकुड़ जाएंगे। सिकुड़ने से क्या होगा, लंग्स में, लंग्स का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। रोकना निश्मा, बस ख़त्म। ब्रीथिंग में हम देखते हैं कि जब आप इनहेल करते हैं तो इनहेल करने के दौरान क्या होता है कि जब आप एयर को इनहेल करते हैं तो आपके जो लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनका नहीं, एक्सपेंड हो जाते हैं, उनका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। जब उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो उसके केस में क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। तो आप, ये फिज़िक्स का कौन सा लॉ है, ये बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ क्या कहते हैं, कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम
डिक्रीज हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन मीन्स कि जब इनहेल किया आपने तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो उसकी वजह से क्या हो गया, प्रेशर डिक्रीज हुआ, और जब आपने एक्सहेल किया तो वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से प्रेशर इंक्रीज हो गया। ये इनवर्स रिलेशन ये हमारी बॉडी में, हमारी ब्रीथिंग सिस्टम में भी चल रहा है। मीन्स के फिजिक्स की इन्वॉल्वमेंट हम में ह्यूमंस में भी है, डिफरेंट फंक्शनिंग में आप फिजिक्स के लॉज को यूज़ करते हैं। एक और बात है कि हम जो वॉक करते हैं, हमारी जो वॉकिंग का प्रोसेस होता है, आपने कभी नोटिस किया कि आप वॉक किस वजह से कर रहे हैं, ऐसा कौन सा लॉ है जो जिसके बेस पर आप वॉक कर रहे हैं। जब आप वॉक करते हैं, लाइक मैं अगर राइट कर रही हूँ तो मैं किस वजह से कर पा रही हूँ, हम मेरे जो बोर्ड है, बोर्ड और इस मार्कर के दरमियान में एक फोर्स है, जो फोर्स आपको अलाउ करती है कि आप लिख पाते हैं, ठीक है। वो कौन सी फोर्स है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होती तो ये पेन होल्ड ही ना हो पाता मेरे हाथ में, और क्या हो जाता, ना ही आप इससे लिख पाते। तो अगर आप जब वॉक करते हैं तो तब आपके जो फुट है उसमें और ग्राउंड में एक फोर्स होती है जो कि आपको गिरने से, आपको स्लिप होने से बचाती है, तो उस फोर्स को आप कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो डेली लाइफ में फिजिक्स की बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स और इनरोलमेंट्स हैं जिनको हम वन बाय वन आगे नेक्स्ट कोर्स में स्टडी करते जाएंगे। अब नेक्स्ट हम फिजिक्स की मज़ीद जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, लाइक हम फिजिक्स को किस में स्टडी करते हैं, आपने देखा होगा जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है, लाइक हमारे पास एप्लीकेशंस की हम बात करने लगे हैं, एप्लीकेशंस में हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन, आप एरोप्लेन यूज़ करते हैं, बाय एयर ट्रैवल करते हैं, बाय रोड ट्रैवल करते हैं, तो आप उसमें बसेस, कार्स, मोटर बाइक्स डिफरेंट यूज़ करते हैं, तो उन सब में जो है हमारे पास फिजिक्स के लॉज यूज़ होते हैं। लाइक अगर कार है तो वो मैकेनिक्स की लॉज ऑफ मैकेनिक्स पे वर्क करती है, मैकेनिक्स मीन्स मोशन। तो कार जब ट्रांसपोर्टेशन आप परफॉर्म करते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो आप कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं, तो आप उसको मीन लॉज ऑफ मैकेनिक्स की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं या स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज़ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास होते हैं टीवी, रेडियोज, इंटरनेट, ये तमाम जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं इसमें भी हम फिजिक्स को ही इन्वॉल्व किया जाता है। लाइक टीवी है तो इसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट चिप्स होते हैं जो कि जिसमें कैपेसिटर, इंडक्टर वगैरह लगे हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद रेडियो में भी इस तरह से हम जो है ना सिग्नल्स को मैच करते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी को मैच करते हैं, तो ये तमाम हम फिजिक्स में ही स्टडी करते हैं। ये फिजिक्स के ही लॉज हैं जिनको हम इन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में यूज़ कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है वो रेफ्रिजरेटर है। तो रेफ्रिजरेटर वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। थर्मोडायनेमिक्स की प्रिंसिपल पे वर्क करने के बाद ही रेफ्रिजरेटर जो है वो कूलिंग परफॉर्म करते हैं, तो ये भी एक फिजिक्स की एप्लीकेशन है। डोमेस्टिक अप्लायंसेज आप यूज़ करते हैं, लाइक आप यूज़ कर रहे हैं एयर कंडीशनर्स, उसके बाद वैक्यूम क्लीनर्स, ओवंस, ये तमाम जो चीज़ें आप हम यूज़ करते हैं, उसके बाद वॉशिंग मशीन्स यूज़ करते हैं, इन सब में फिजिक्स ही इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रिसिटी, मोशन ऑफ चार्जेस, तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम जस्ट लाइट ही नहीं लेते, लाइट के अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रिसिटी की। आप इसको यूज़ करते हैं अपने फैंस को चलाने के लिए, डिफरेंट मशीनरी को चलाने के लिए, होम अप्लाइंसेस को चलाने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल फिजिक्स हमारी लाइफ में हर जगह पे इन्वॉल्व है, हर जगह पे फिजिक्स की एप्लीकेशंस आपको नज़र आएंगी। इवन कि अगर आप बात करते हैं मेडिकल पर्पसेस में, तो वहाँ पे भी फिजिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। लाइक अगर आप एक्सरे करवाते हैं, आपने किसी बीमारी को डायग्नोज करना होता है, तो उसके लिए भी आप मशीनरी यूज़ करते हैं जिसमें फिजिक्स के लॉज होते हैं, जिसमें रेडिएशंस को यूज़ किया जाता है, वेव्स को यूज़ किया जाता है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो इन तमाम चीज़ों में फिजिक्स इन्वॉल्व है। वैसे तो हमारी लाइफ साइंस ने काफ़ी इजी कर दी है, लेकिन इसके कुछ डैमेजिंग इफेक्ट्स भी हैं ह्यूमन लाइफ पे। लाइक अगर आप इसके बात करते हैं डैमेजेस की, तो हमारे पास है लाइक यहाँ पे डेडली वेपन्स हैं,
डेडली वेपन्स। अब हमारे जो जो साइंस है उसने इतनी तरक्की कर ली है कि हर कंट्री के पास डिफरेंट वेपन्स हैं, जिनकी वजह से ये होता है कि हर कंट्री को दूसरे से ख़तरा भी है कि कहीं वो उन पर अटैक ना कर दें। तो इस वजह से जो एक इसकी डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं वो ये है कि हम अब जो है ना डेडली वेपन्स इतने ज़्यादा आ गए हैं तो ह्यूमन लाइफ को इससे भी ख़तरा है। दूसरा, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है साइंस की वजह से। डिफरेंट फैक्ट्रीज अगर बनी हैं तो उनसे हमें फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी ख़राब हो रहा है। तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है। आज हमने फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, नेक्स्ट लेसन में हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी इस टॉपिक में या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ समझ ना हो या कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।